वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप जीके जीएस अभी पढ़ना शुरू किए हैं या आपको थोड़ा कम समझ आता है तो आपके लिए ये वीडियो क्विज टेस्ट बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 40 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर खेलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर टू, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78%, और सबसे अधिक नाइट्रोजन वायुमंडल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनामो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर फोर, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर फाइव, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली। क्वेश्चन नंबर सिक्स, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? भी यही सवाल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर सेवन, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सेवन, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर एट, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नाइन, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर टेन, पृथ्वी की भूपरवर्ती पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर इलेवन, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर बारह, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर तेरह, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल।
क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 326 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 15, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फेडरल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 16, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 17, एंजाइम की रचना किससे होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18, द डोज ऑफ लॉफ्टर के रचयिता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर के लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 19, अलाहाबाद के अस्थम लेख को किसने लिखा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 20, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फागुन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केजी बालकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मायोसिन अम्ल। मांसपेशिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मायोसिन अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 25, रायतवारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको, चांदी के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रातःकाल। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.03%। क्वेश्चन नंबर 29, चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनान। क्वेश्चन नंबर 30, भूदान आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राह्मणत्व
ब्राह्मण का वर्चस्व का समाज। क्वेश्चन नंबर 31 को सुनिए। ब्राह्मण समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 32, राग यमन का गायन कब होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रात्रि का प्रथम पहर में। क्वेश्चन नंबर 33, आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमलापति त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 38, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 39, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। क्वेश्चन 4 आपके लिए एक सवाल है, यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पर लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिखिए Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसके पिछले पार्ट को आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।